तानी ग्रुप बिहार में रोजगार का सृजन करेगी और बिहार के युवाओं के लिए कह सकते हैं कि ये एक अच्छी खबर है। बिहार में हजारों लोगों को अडानी ग्रुप जो है वो रोजगार देगा और एक करार है जिस पर साइन होना है। और आपको हम ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस प्लांट का उद्घाटन करेंगे। नवादा में ये प्लांट खुलने जा रहा है और अडानी की कंपनी से ये जो प्लांट है वो जुड़ा हुआ रहेगा। ऐसे में बिहार के लोगों के लिए इसे एक सौगात से कम नहीं कहा जा सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस प्लांट का जो है वो उद्घाटन करेंगे और अडानी ग्रुप जो है वो पूरी तैयारी कर रहा है। नवादा में ये जो प्लांट खुलेगा उससे हजारों रोजगार का सृजन होगा और इस रोजगार के सृजन होने के बाद वहाँ पर जो बेरोजगार युवा हैं जो पलायन करने के लिए बिहार से बाहर निकलते हैं, मजदूरी करने के लिए बिहार से बाहर जाते हैं, ऐसे युवाओं को कहीं ना कहीं अब उनके जिले में ही उनके गृह क्षेत्र में ही रोजगार मिले। इस दृष्टिकोण से भी आप इस खबर को अगर आप समझेंगे तो बेहद अहम है। और मुख्यमंत्री चूंकि इस प्लांट का शिलान्यास करेंगे तो निश्चित रूप से नवादा के लोगों के लिए, नवादा में जो भी बेरोजगारी की दर है, जो भी वहां पर बेरोजगार हैं, उनके लिए तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी खबर है। अमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहां के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए अमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजोन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार। सेवा में है वास्तु विहार।